नमस्कार, मैं हूं विदिशा शांडिल्य और आप देख रहे हैं मेरे साथ समाचार एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के हरदोई में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों ने किसान बिल का विरोध किया। शहर के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर जाम लगाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं जैसे ही किसानों के प्रदर्शन की सूचना सिटी मजिस्ट्रेट को मिली, वो मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें कृषि से संबंधित तीनों कानून वापस लेने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला अध्यक्ष राज बहादुर सिंह यादव के नेतृत्व में किसान नेताओं ने किसानों के साथ शहर के सोल्जर बोर्ड चौराहे पर जाम लगाया। यहां किसान कार्यकर्ताओं ने किसान एवं बिल को वापस लिए जाने की मांग की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसानों को गहरा आघात लग रहा है। इन नीतियों से कॉरपोरेट घरानों को लाभ होगा, कॉन्ट्रैक्ट खेती फिर से पुराने हाल में लौट जाएगा, तंगहाली में किसान आत्महत्या करने को विवश होगा, किसान को फसल की लागत से दोगुना कीमत देने, आय दोगुनी करने और सभी कर्जे माफ करने के वादे सरकार के हवा में रह गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयक को वापस लेने की मांग की, कहा कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने इस बिल को वापस लेने की मांग की। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आज के राष्ट्रीय संगठन है भारतीय किसान यूनियन का, के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके निर्देश पर इन लोगों ने आज यहाँ अपना प्रदर्शन किया है और इनकी मांगे जो भी इनके ज्ञापन के रूप में दिया है वो संदर्भित कर दिया जा रहा है, यहाँ से प्रेषित कर दिया जा रहा है। वो नीतिगत प्रकरण है, उसमें शासन स्तर स्तर से उसके फैसले लिए जा रहे हैं। ठीक सर, इस समय दिल्ली सरकार के साथ किसानों का जो माहौल है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। सर, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन विधेयक, उनका पूरे हिंदुस्तान का किसान विरोध कर रहा है। हमारे नेता ने उसी कड़ी में, चूंकि समय कोरोना काल है, उसका भी बचाव करना है, ट्रेन सेवा बाधित है, हम लोग दिल्ली नहीं पहुँच सकते, नहीं तो सारी भीड़ दिल्ली में होती, तो हमारे नेता का ये आदेश मिला कि जो जहाँ पर है वो वहीं उसी मोर्चे पर ये साबित करे कि हम उस लड़ाई में शामिल हैं। तो हम लोग उसी लड़ाई का एक अंग बन करके आज यहाँ सोल्जर बोर्ड चौराहे पर इकट्ठा हुए थे। रोड जाम किया था, हमारे नेता का कहना था कि नेशनल हाईवे कहीं कहीं उसी पर पंचायत की जाए, हमने वही करी, एक संकेत दिया, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बाकी कोई बहुत बड़ा भीड़ इसीलिए नहीं इकट्ठी की कि किसान का इस समय काम भी है, बुआई चल रही है, बाकी इस मेन मंशा यही थी उन विधेयक का विरोध करना। इसके अलावा धान की खरीद से हम लोग परेशान हैं, प्रशासन हमारा धान नहीं खरीद पा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.